हाय गाइस, आई एम संजीव कुमार ओझा। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव कुमार ओझा। आज हम जानेंगे आईसर मोटर्स के शेयर के बारे में। अभी कुछ दिनों से ये शेयर काफ़ी करेक्ट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 1 वीक में 10% एंड लास्ट 1 मंथ में अराउंड 13% डाउन हुआ है। 3 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न है 7.5% की। 6 मंथ में 2.5% के अराउंड करेक्ट हुआ है। लास्ट 1 ईयर में ओनली 5% के अराउंड रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 सालों में 20% के आसपास। इससे पता चलता है कि कंपनी लास्ट के 5 सालों में कोई ख़ास रिटर्न जनरेट नहीं किया है। बट जब आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को गजब की रिटर्न दी है। लगभग 2 लाख% के ऊपर की। जब भी आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो ये ज़रूर देखिएगा। ओवरऑल मल्टी बैगर कंपनी थी ये लास्ट के कुछ सालों में। 2006 से जो जब इसका प्राइस मूवमेंट करना चालू किया तो उसके बाद ये रुका ही नहीं। अभी अभी 5 सालों में कंसोलिडेट कर रहा है। आज हम जानेंगे कंपनी की डिटेल के बारे में और सम की पॉइंट्स के बारे में। चालू करते हैं। इसका जो लो है 3176 का है, जिसके आसपास ट्रेड कर रही है, जो लास्ट डे बना था। और 52 वीक लो देखेंगे 2807 है। और हाई देखेंगे 3800 के आसपास है। लास्ट 1 ईयर में देख सकते हैं 8.5% के आसपास की रिटर्न है। वॉल्यूम देखेंगे 21 लाख के आसपास है। मार्केट कैप 88,121 करोड़ का है। अब एनालिस्ट की रेटिंग देख लेते हैं। 37 एनालिस्ट में ने इसमें रेटिंग दी है, जिसमें से 71% बाय की रेटिंग दे रहे हैं और 24% होल्ड की और 5% सेल की। अगली इनकी फोरकास्ट देख सकते हैं आईसर मोटर्स की। जो हाई है वो 4800 का टारगेट दे रहे हैं और जो मिडिल रेंज है टारगेट 3854 रुपये की, और जो लोअर है वो 2900 के आसपास। ओवरऑल इसमें फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये अपने लोअर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 300 के अराउंड प्राइस का अंतर है, और जबकि रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी ऊपर, अगर ये हाई को टच करता है तो काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म व्यू रखने वाले इन्वेस्टर इसको एक बार ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं। अब इसके इनसाइट्स के बारे में जान सकते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें मार्च क्वार्टर में बढ़ी हुई है अराउंड 0.5% के आसपास, और प्रॉफिट स्पाइक हुआ है 16.7% के आसपास, काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू रिच कंपनी है, 9.2% पर क्वार्टर से ग्रो कर रही है लास्ट के 8 क्वार्टर से। और इसका जो पीयर्स कंपैरिजन करेंगे टाटा मोटर्स से, तो टाटा मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया है, जैसा कि टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में साफ दिखाई देता है। 422% का रिटर्न दिया है लास्ट के 3 सालों में, मल्टी वेगर साबित हुआ है। और टाटा मोटर ने लास्ट 1 ईयर में 40% का रिटर्न दिया है, जो कि इसके शेयर प्राइस से 31.5% ज़्यादा है। और लास्ट 7 दिनों में इसका शेयर 12.5% के अराउंड डिप किया है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। FYI की होल्डिंग इसमें डाउन हुई है अराउंड 1% के आसपास मार्च क्वार्टर में, और रिटेल ने भी इसमें अपनी पोजीशन थोड़ी सी डाउन की, हालांकि बहुत माइनर है। प्रोमोटर ने भी इसमें होल्डिंग अपनी
कम की है, इनका भी बहुत माइनर है। ओवरऑल आप डिसेंट होल्डिंग है 49.20% के आसपास। अब इसका वैल्यूएशन देखते हैं तो इसका जो हाईएस्ट है वो 71 का पी है और जो लोएस्ट है वो 20.5 के आसपास का पी है। इंडस्ट्रीज़ का पी चल रहा है 42.45 के आसपास का और जो इसका है वो 29.89% पी है। तो उस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यू दिखाई दे रही है। जब इसका कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री के पी से, काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है आईसर मोटर्स। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 88,121 करोड़ की है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट कंपनी दिखाई दे रही है। पहले नंबर पे बजाज ऑटो है जिसकी 1,39,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये टू व्हीलर सेगमेंट का कंपैरिजन है, नहीं तो इसमें टाटा मोटर्स का भी नाम आता, क्योंकि टाटा मोटर्स टू व्हीलर सेगमेंट में नहीं है इसलिए उसका नहीं है यहाँ पर। अब डिविडेंड डील देखेंगे तो हीरो मोटर बजाज ऑटो की काफ़ी अच्छी है, इसकी 1% के अराउंड है। डेब्ट टू एसेट देखेंगे तो 0.5% के अराउंड है सभी कंपनियों का लगभग। कैश फ्लो देखेंगे सबका पॉजिटिव दिखा रहा है, बजाज का काफ़ी अच्छा है और हीरो होंडा का भी अच्छा है, टीवीएस का भी अच्छा है, इसका थोड़ा कम है बट डिसेंट। अब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 ईयर में बजाज ऑटो और टीवीएस ने आउट परफॉर्म किया है, 3 साल में देखेंगे टीवीएस ने आउट परफॉर्म किया है, बजाज ऑटो ने भी अच्छा रिटर्न दिया है और आईसर मोटर का भी अच्छा रिटर्न है लास्ट के 3 सालों में 64% के आसपास। और 5 सालों में देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद बजाज है और आईसर का 15% के आसपास। और म्यूचुअल होल्डिंग देखेंगे इसमें तो SBI ब्लू चिप फंड ने 2.5% के अराउंड माल ले रखा है, UTI फ्लैक्सी अपने 1% के अराउंड, DSP मिड कैप ने 1.5% के अराउंड, UTI ट्रांसपोर्टेशन ने 10% के अराउंड और UTI मास्टर गोद ने 0.25% के अराउंड। शेयर होल्डर देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 50% से थोड़ी सी कम होल्डिंग है, फॉरेन के पास 28.5%, म्यूचुअल फंड के पास 8% के अराउंड, रिटेल इन्वेस्टर के पास 11% के अराउंड, अदर्स के पास 4.25% के अराउंड। ओवरऑल डिसेंट होल्डिंग दिखाई दे रही है सभी पैरामीटर पे। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी स्पाइक हुआ है एक के बाद एक क्वार्टरली बेसिस पे, स्टेरनुमा दिख रहा है नेट प्रॉफिट। और रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। बैलेंस शीट देखेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। कैश फ्लो देखेंगे तो ये कैश फ्लो कंपनी का कम हुआ है, जैसा कि हमने दूसरी कंपनियों से भी कंपेयर किया इसका कैश फ्लो थोड़ा कम था। और जब हम अनोली वाइज देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ओवरऑल ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा हुआ है लास्ट के साल में। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो काफ़ी डिक्रीज हुई है, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है लास्ट के साल से। और ROA देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट तो वो भी डिक्रीज हो रहा था, अभी लास्ट के साल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, रॉयल इनफील्ड नाम से इनकी बाइक आती है और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ब्रांड है।
आईसर मोटर ऑपरेशन आर मेनली फोकस ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। इट्स मेन लाइन ऑफ बिजनेस इंक्लूड डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटरसाइकिल कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ओवरऑल ऑटो कंपोनेंट मोटरसाइकिल्स कमर्शियल व्हीकल का काम करती है, डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। उनके टॉप मॉडल आते हैं जो रॉयल इनफील्ड की 350 बुलेट, 350 हिमालयन इंटरसेप्टर, 650 ईवी कमर्शियल व्हीकल भी है इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो बनाती है कमर्शियल व्हीकल भी है। ब्रांड्स हैं इनके आईसर पोलरिस, आईसर प्रो एंड आईसर ट्रक। कंपनी गुड़गांव में हेडक्वार्टर है कंपनी का। कैसी लगी जानकारी बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करें।